Hello, hi and welcome back to my YouTube channel Truly Twisted. मैं श्रुति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर. लेकिन इस वीडियो की ओर जाने से पहले अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले. वीडियो अगर आप सबको पसंद आता है तो जरूर से एक लाइक दे दे. वैसे ये वीडियो है, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है. ये वीडियो है इंडिया टॉप फैक्ट से एंड ये वीडियो का टाइटल है टॉप कंट्रीज विथ हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व. किस देश के पास सबसे ज्यादा सोना का भंडार मौजूद है? किस देश के पास तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में तो सबके घर पे एंड सब आंटियों के पास सोना का भंडार खूब सारा ही है. तो चलिए फटाफट इस वीडियो को देखते हैं एंड पता करते हैं किसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व है. सो गाइस लेट्स बिगिन द वीडियो. गोल्ड रिजर्व यानी ऐसा गोल्ड जिसे देश की नेशनल सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है. इस गोल्ड को रिजर्व करने का मेन इंटेंशन डिपॉजिटर्स और नोट होल्डर्स को पे करना, वैल्यू के तौर पर स्टोर करना और नेशनल करेंसी की वैल्यू को सपोर्ट करना होता है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार अब तक दुनिया भर से जितना भी गोल्ड माइन किया गया है उसकी मात्रा 1,90,040 मेट्रिक टन है और इस दुनिया भर के निकाले कुल गोल्ड की वैल्यू 7.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक है. हर देश के पास गोल्ड एक बैकअप की तरह होता है. ये कंट्री को मार्केट वोलेटिलिटी और फाइनेंशियल वैल्यू को स्टेबल रखने में मदद करता है और इसीलिए हर कंट्री के नेशनल सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व करते हैं. अब सवाल ये है कि आखिर किस कंट्री के पास कितना गोल्ड रिजर्व है और इस लिस्ट में टॉप 10 कौन है और क्या उनमें हमारा देश शामिल है. तो इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स. नंबर 10 नेदरलैंड्स. नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में स्थित कंट्री नेदरलैंड्स अपने टुलिप फील्ड्स, विंड मिल्स और साइकिलिंग रूट्स के लिए फेमस है. और आपको बता दें कि कुछ समय पहले तक इंडिया से आगे नेदरलैंड्स का नाम था. जहां इंडिया के पास 557 टन ऑफ गोल्ड था वहीं नेदरलैंड्स के पास 612 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व था. पर अब पोजीशन चेंज हो चुकी है, इंडिया गोल्ड रिजर्व्स में आगे है. वहीं नेदरलैंड्स के पास अभी भी 612.45 टन ऑफ गोल्ड ही रिजर्व है. नंबर 9 इंडिया. 9 पोजीशन पे है इंडिया. कुछ समय पहले तक इंडिया में 557.79 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व था. ईयर 2000 यानी आज से 21 इयर्स पहले इंडिया के पास 479 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व था. वही बात अगर इस साल की करें तो 2021 में इंडिया के पास 743.84 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड रिजर्व है. एक हफ्ते के अंदर इंडिया के गोल्ड रिजर्व वैल्यू में 1.008 बिलियन डॉलर्स का फर्क आया और 2020 के अंत तक टोटल वैल्यू 37,020 बिलियन डॉलर्स थी. और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे देश इंडिया में बैंक्स के पास वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड स्टोर्स है. दोस्तों आपकी अर्ली प्रिपरेशंस को एक्साइटिंग और बूस्ट करने के लिए अनअकैडमी लाया है एक स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज फॉर सीबीएसई क्लास 6 टू 12 के स्टूडेंट्स के लिए. फीचर्स फॉर दिस फ्री टेस्ट सीरीज, इट्स कम्प्लीटली फ्री. एनालिसिस सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स राइट आफ्टर द टेस्ट टू सॉल्व ऑल डाउट्स. PDF notes for analysis sessions. Easy, medium and difficult level questions to strengthen your preparation. MCQ questions, no negative marking. Attempt anytime, anywhere. Champions free test series class 6 to 8 ke liye hai for maths, science and SST subject. MCQ free test series class 11 to 12 ke liye hai for maths, science, English, commerce and humanities. Itna hi nahi. अनअकैडमी पे आपको सब सब्जेक्ट्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे रिसेंटली लॉन्च बैचेस भी मिल जाएंगे बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में. अगर आपने अभी अनअकैडमी के प्लस या आइकॉनिक का 12 मंथ या उसे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपको 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल फ्री. ये ऑफर सीबीएसई क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है एंड लिमिटेड पीरियड के लिए है. सो इंतजार किस बात का, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं. टेस्ट सीरीज फॉर फ्री में अनलॉक करने के लिए मेरा कोड FACTS10 यूज करें और यही कोड से आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 10% ऑफ पर बाय कर सकते हो. सो दोस्तों इस बार लेट्स क्रैक द एग्जाम्स विद अनअकैडमी. नंबर 8 जापान. जापान न सिर्फ टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में बल्कि हर एंगल से बेहतर होता जा रहा है. वर्तमान में यहाँ 765.22 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व है. फरवरी 2021 में इसकी वैल्यू 42.878 बिलियन यूएसडी थी और बात अगर जनवरी की करें तो जनवरी में इसकी वैल्यू 45.854 बिलियन यूएसडी थी.
यानी एक महीने के अंदर इसकी गोल्ड रिजर्व वैल्यू में लगभग 3 बिलियन USD का अंतर आया है। नंबर 7 स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के पास वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स पर कैपिटा का रिकॉर्ड है। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ये न्यूट्रल कंट्री यूरोप के गोल्ड ट्रेड का एपिसेंटर बन गई और तब से यहाँ गोल्ड रिजर्व वैल्यू जबरदस्त है और इस लिस्ट में ये 7वीं पोजीशन पर भी है। यहाँ 1040 टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्ड है। नंबर 6 चाइना। 2009 से पहली बार पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने अपने गोल्ड परचेजिंग एक्टिविटीज को रिवील किया है। चाइना भले ही 6th पोजीशन पर हो पर ये वर्ल्ड की टोटल गोल्ड होल्डिंग का 3% हिस्सा ही कवर करती है। चाइना के पास टोटल 1948.3 टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्ड है। नंबर 5 रशिया। रशिया इस पावरफुल कंट्री ने इस लिस्ट में भी खुद को काफी आगे रखा है। लगातार पिछले 7 सालों से रशिया लार्जेस्ट गोल्ड बायर है। रशिया में टोटल 2,299.9 टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्ड है। चाइना को पीछे कर 2018 में रशिया बन गया 5th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व होल्डर इन दी वर्ल्ड। नंबर 4 फ्रांस। पिछले कुछ सालों से फ्रांस ने अपने देश का गोल्ड बेचना बेहद कम कर दिया है और अब यहाँ की फ्रंट पार्टी प्रेसिडेंट मरीन ले पेन ने तो ये भी कहा है कि कंट्री के गोल्ड को पूरी तरह स्टोर किया जाए और इसे बिल्कुल भी बेचा नहीं जाएगा। फ्रांस में टोटल 2,436 टन्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्ड है। नंबर 3 इटली। इटली ने भी अपने रिजर्व साइज को वक्त के साथ अच्छा मेंटेन कर रखा है। वर्तमान में इटली के पास 2,451 टन्स ऑफ रिजर्व्ड गोल्ड है जिसके कारण बैंक ऑफ इटली 4th लार्जेस्ट होल्डर बन चुका है। नंबर 2 जर्मनी। जर्मनी के गोल्ड रिजर्व्स ड्यूचे बुंडेसबैंक में होल्ड किया जाता है। 3,373.6 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व के साथ जर्मनी इस लिस्ट में यूएस के बाद सेकंड पोजीशन पर है। नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसए एकमात्र ऐसा देश है जो हर साल हर वक्त सफलता की बुलंदियों को छू रहा है। ये हर एंगल से डोमिनेंट है और इसका अंदाजा आपको इसके रिकॉर्ड्स एंड पास देखकर लग ही गया होगा। फ्रांस, इटली और जर्मनी, इन तीनों देशों में जितना गोल्ड रिजर्व है लगभग उतना अकेला यूएसए के पास है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास 8,133.5 टन ऑफ गोल्ड रिजर्व है जो फॉरेन रिजर्व का 77% हिस्सा है। तो दोस्तों, अगला वीडियो आप किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं यह हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। सो गाइस, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वैसे ये जितने गोल्ड इंडिया के पास रिजर्व है ये काफी ज्यादा कम है क्योंकि इंडिया की रैंकिंग 9th है। लिटरली मुझे लगा था मे बी इंडिया की रैंकिंग 5th-6th होगी, उससे नीचे तो मैं नहीं सोच रही थी क्योंकि मुझे पता था कि टॉप में यूएस ही होगा क्योंकि बहुत ही बड़ा देश है यूएस एंड होगा ही उतना कुछ ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही मतलब गोल्ड रिजर्व्ड है यूएस के पास। वैसे इंडिया और जापान के बीच में आई थिंक इंडिया का 743 मेट्रिक टन ऑफ गोल्ड था एंड कुछ वैसे ही था 743 पॉइंट कुछ है एंड जापान का 765 के आसपास, तो ज्यादा डिफरेंस है नहीं मतलब इंडिया और चाइना के रिजर्व गोल्ड पे। होपफुली इंडिया आगे बढ़ेगा इस चीज पे एंड हमारे पास खूब सारा गोल्ड होगा रिजर्व। वैसे हमारे तो घर घर में सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड नजर आता है लेकिन फॉरेन कंट्रीज में मुझे कहीं ऐसा दिखता नहीं है, पता नहीं इतना शायद वो लोग घर पे नहीं बैंक में ज्यादा रिजर्व रखे पता नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। अब यूएस टॉप में है लेकिन इंडिया काफी नीचे है तो थोड़ा खराब लग रहा है एंड पाकिस्तान को तो नामो निशान नहीं है इस लिस्ट में, टॉप 10 में तो कतई नहीं। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक दे दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप सबको मेरी लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी और बगल में भी पार हो रहा होगा मेरा आईडी, तो जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करें, साथ ही ढेर सारे कमेंट्स करें। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।